कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर विफाकी वजारत दाखिला ने एक्साइज नादरा और पासपोर्ट समेत मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी दफातर को दो हफ्तों के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर हुकूमती इकदाम जारी हैं। इस हवाले से वजारत दाखिला ने पब्लिक डीलिंग से मुतालिका तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद करने का फैसला किया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ऐसे महकमे जहां लोगों का बराह रास्त अमल दखल और डीलिंग शामिल है बंद रहेंगे। हुकूमत की जानिब से एक्साइज एंड टैक्सेशन नादरा और पासपोर्ट दफातर बंद करने का फैसला किया गया, जबकि शनाख्ती कार्ड NOC और पासपोर्ट्स की मियाद खत्म होने के हवाले से जरूरी इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा बीमार और 50 साल से जायद उम्र के अफराद और शादीशुदा खवातीन को भी दफातर में हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रॉपर्टी दफातर ब्यूटी पार्लर्स और सैलॉन भी बंद करने का फैसला हुआ। शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद कराए जाएंगे। ताहम खाना घर ले जाने और पहुंचाने के हवाले से पाबंदी नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 15 दिनों के लिए पाबंदी का इतलाक होगा।